नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि मैंने अभी थोड़े समय पहले शायद परसों ही एक वीडियो बनाया था कैरी मिनाटी को लेकर, जिसमें मैंने बताया था कि कैरी मिनाटी ने किस तरीके से अपनी लाइव स्ट्रीम में मेरे बारे में बात करी है, मेरे बारे में कुछ चीज़ें बोली हैं। तो उन्होंने जो भी चीज़ें बोली थी, जो भी बात उस लाइव स्ट्रीम में बोली थी, मैंने कहीं ना कहीं उसका विरोध करने की कोशिश करी थी और मैंने बोला था कि ये चीज़ें जो ये बोल रहे हैं कहीं ना कहीं ठीक मुझे नहीं लग रही है। तो मैंने उस वीडियो में अपने ओपिनियंस रखे थे उनकी सभी बातों को लेकर, जो मुझे ठीक नहीं लगी थी चीज़ें वो मैंने बोली थी। तो ओके, तो वो वीडियो जब मैंने बनाया है तो उनके काफ़ी सारे फैंस मुझे बोल रहे हैं कि अब कैरी मिनाटी तुम्हारी सारी वीडियोस डिलीट करा देंगे क्योंकि तुम लगातार कैरी मिनाटी की बातों का विरोध कर रही हो, और कैरी मिनाटी बड़ी यूट्यूबर है तो उनकी बातों का विरोध कोई नहीं कर सकता है, और जो भी उनकी बातों का विरोध करेगा उनकी वीडियोज़ जो है कैरी मिनाटी डिलीट करा देंगे, ऐसा उनके फैंस का कहना है। भले ही कैरी मिनाटी की वीडियो खुद यूट्यूब डिलीट कर देता है क्योंकि वो साइबर बुलिंग करते हैं अपनी वीडियोज़ में, बट स्टिल वो मेरी वीडियो डिलीट करा देंगे क्योंकि मैं छोटी यूट्यूबर हूँ और वो बड़ी यूट्यूबर है। इस तरीके की बातें उनके फैंस मुझे बोल रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, इस डर के साथ मैं जी लूँगी जैसे मैं एग्जाम के डर के साथ जीती रहती हूँ। अभी मेरा एग्जाम आने वाला है तो उसका डर है, अब एक और डर सही, डबल डर हो गया है। कोई बात नहीं है, मेरे को डर के साथ जीने की आदत है तो एक और डर सही। खैर, ये एक चीज़ थी। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दा है आज का ट्रिगर्ड इंसान। मैं ट्रिगर्ड इंसान के सचमुच पीछे पड़ गई हूँ, कई वीडियोस बना दिए मैंने ट्रिगर्ड इंसान को लेके। तो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि ट्रिगर्ड इंसान को लेके जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था अपना, आपने नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत अच्छा वीडियो है। उस वीडियो में मैंने बोला था कि किस तरीके से ट्रिगर्ड इंसान ने अपनी एक लाइव स्ट्रीम में मेरे बारे में बात करी है, और वो बात सबको पता चल गई थी कि ट्रिगर्ड इंसान मेरे बारे में ही बोल रहे थे, क्योंकि उस टाइम जब वो मेरे बारे में बोल रहे थे अपनी लाइव स्ट्रीम में तो भी उनको काफ़ी सारे कॉमेंट्स आने लग गए कि आप पायल जोन के बारे में बात करें, आप पागल जोन के बारे में बात करें, इस तरीके के जो है उनको कमेंट्स आने लग गए थे। तो मुझे भी पता लग गया, लोगों ने मुझे बताया तो मुझे भी पता लग गया कि हाँ ट्रिगर्ड इंसान ने मेरे बारे में बोला है, और लोगों को भी पता चल गया कि ट्रिगर्ड इंसान ने मेरे बारे में बोला। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि बात मेरे बारे में ही हुई थी। तो जो उनकी लाइव स्ट्रीम थी उसमें ट्रिगर्ड इंसान ने मुझे ऐसा बोला था कि भाई तू है कौन, मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ, इस तरीके की लाइन्स उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल करी थी। जब मैंने ये लाइन सुनी कि ट्रिगर्ड इंसान ने मुझे इस तरीके से बोला है तू करके, और इस तरीके की बात बोली है कि मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ, तो है कौन, तो मैं काफी हर्ट हुई। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ट्रिगर्ड इंसान ने मुझे इस तरीके से क्यों बोला है, और तो ही मैंने वो वीडियो बनाया कि भाई इस तरीके से ट्रिगर्ड इंसान ने मुझे बोला है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि उन्होंने किस तरीके से मुझे बोला कि तू है कौन वगैरह वगैरह, मेरे को नहीं अच्छी लगी वो चीज़। तो वही मैंने उस वीडियो में बताई। तो जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो वो काफ़ी सारे जो उनके फैंस थे वो मुझे बोलने लग गए कि भाई सही तो बोला ट्रिगर्ड इंसान ने, तेरी क्या औकात है ट्रिगर्ड इंसान के सामने कि वो तुझे तुम या आप करके बोले, तो ट्रिगर्ड इंसान तो तुझे तू करके ही बोलेगा, है ना। तो इस तरीके की बात जो लोग बोल रहे थे मैं उनको बताना चाहूँगी कि भाई देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर आप बड़े क्रिएटर हैं और हम आपसे छोटे क्रिएटर है तो आप हमें एक तरीके से नीचा दिखाने के लिए ऐसा बोलेंगे कि तू है कौन मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूं, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्रिएटर बाद में हैं, हम यूट्यूबर्स बाद में हैं, बट उससे पहले हम इंसान हैं। मैं एक इंसान हूं, वो भी एक इंसान है, तो इंसान होने के नाते ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। ये मैटर नहीं करता है कि आप बहुत बड़े पोस्ट पे, आप बहुत बड़ी सरकारी नौकरी करते हैं या मैं बहुत छोटी प्राइवेट नौकरी करती हूं, ये चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करती, आप मजदूर मिस्त्री जो भी हैं, बट हाँ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है आपस में, इंसानों को तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, है ना। क्रिएटर यार छोड़ दो, क्रिएटर है या नहीं है वो चीज बाद की बात है, बट डेफिनेटली इंसान है तो इंसान होकर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि उन्होंने मुझे डिसरिस्पेक्ट कर दिया, ओ माय गॉड, बट हाँ उनके जो फैंस बोल रहे थे कि तेरी औकात क्या है वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे औकात की बात नहीं आती है। हो सकता है वो बहुत बड़े क्रिएटर होंगे, हो सकता है उनके हर एक वीडियो में मिलियंस में व्यूज आते हों, बट डेफिनेटली इंसान हम दोनों हैं, तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना इंसान होने के नाते वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए उसमें भी ये बताया गया कि सबको सम्मान का अधिकार है। ठीक है, सबसे सिंपल बात ये हो गई। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि ट्रिगर्ड इंसान दिल्ली से हैं और दिल्ली के लोग सबको तू ही करके बोलते हैं, चाहे वो उसे जानते हो चाहे नहीं जानते हो। तो वो चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि भाई दिल्ली में ही मेरी डाइट है, दिल्ली में ही मेरा कॉलेज है, लेकिन हम लोग तो किसी को ऐसे तू तड़ाक करके नहीं बोलते जब तक हमें किसी को नहीं जानते। अगर हम किसी के लिए अनजान है या मैं किसी के लिए अनजान हूं, तो डेफिनेटली अगर कोई मेरे सामने आता है अनजान व्यक्ति तो वो मुझे आप करके ही बोलेगा, या मुझे तुम करके भी एक बार के लिए बोल सकता है, लेकिन तू करके डेफिनेटली नहीं बोलेगा। मेरे कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं वो ऐसा नहीं बोलते हैं तू तड़ाक करके, वो आप करके या तुम करके बात करते हैं। तुम करके भी बहुत कम बच्चे बात करते हैं, हमेशा आप करके बात करते हैं। तो जो लोग इस चीज के लिए बोल रहे थे कि वो तू करके ही बोलेगा क्योंकि वो
दिल्ली में रहता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक स्पेसिफिक जगह के लोग तू करके बोलते हैं और बिहार के लोग हैं तो आप करके बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो चीज़ आप अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए, ये सिर्फ आपके दिमाग में है कि दिल्ली के लोग तू तड़ाक करके बात करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ तो आप मुझे ना सिखाएं कि दिल्ली के लोग किस तरीके से बात करते हैं। तो जो लोग ये बोल रहे थे कि दिल्ली के लोग इस तरीके से बात करते हैं, तू करके ही बात करते हैं, तो वही लोग मेरे को बोलने लग गए, उन्हीं के फैंस होंगे वो डेफिनेटली, तो वही मुझे बोल रहे थे कि भाई ट्रिगर्ड इंसान ने तू करके बोल दिया, दिल्ली के लोग तू करके ही बोलते हैं, तुमने तो इस बात का पतंगड़ बना दिया, अब तुम्हें ट्रिगर्ड इंसान को सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि तुमने इतने छोटे से मैटर को इतना बड़ा कर दिया, तुमने इस बात का पतंगड़ बना दिया वगैरह वगैरह लोग मुझे बोलने लग गए। तो देखिए पहली चीज़ यह है कि मैंने किसी बात का पतंगड़ नहीं बनाया, ट्रिगर्ड इंसान ने मुझे जो चीज़ें बोली मैंने उस क्लिप में वही दिखाया, ऐसा नहीं था कि मैं मास्क पहन के ट्रिगर्ड इंसान को और फिर चीज़ें बोल रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिगर्ड इंसान ने जो चीज़ें बोली थी मैंने वो क्लिप दिखाई थी, बिल्कुल एक साथ मैंने जोड़ी थी अपनी वीडियो में क्लिप कि हाँ ये बातें ट्रिगर्ड इंसान ने बोली है, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं था कि मैंने बात का पतंगड़ बनाया है। जो क्लिप मैंने लगाई थी, जिस क्लिप में ट्रिगर्ड इंसान ने मेरे बारे में बात करी थी और जो मेरे बारे में बात करी थी, वो अगर मुझे नहीं अच्छी लगी है तो मैं बोलूंगी ना, मेरा चैनल है तो मैं तो अपनी बात रखूंगी, आपको मेरी बातें नहीं सुननी पसंद आ रही तो आप मत सुनिए। आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं बोला कि मेरी वीडियो देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे दूसरे चैनल्स हैं, आप उनकी वीडियो जाके देखो, अगर आपको मेरी बात रखना नहीं पसंद आ रहा है तो आप मेरी वीडियो ना देखें, कृपया करके मैं हाथ जोड़ के आपसे बोल रही हूँ ना देखें। तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मेरा चैनल है तो मेरे को जो मन करेगा मैं वही करूंगी और जो मेरा मन करेगा मैं वही अपनी बातें रखूंगी। तो मेरे को मेरे दिल में ये लगा कि मेरे को अच्छी नहीं लग रही है ये बात कि ट्रिगर्ड इंसान ने मुझे ऐसा कैसे बोला है तू करके, तो मैंने उस वीडियो में यही बोला। तो इसमें बात का पतंगड़ बनाना कहां से आया मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन उनके फैंस को ये लग रहा था कि बात का पतंगड़ बना रही हो, तो ठीक है अगर आपको यही लग रहा है कि बात का पतंगड़ है तो ठीक है, फिर मैं बात का पतंगड़ बनाऊंगी और मैं हमेशा बनाती रहूंगी क्योंकि ये मेरा चैनल है, मैंने अपना चैनल इसीलिए खोला है ताकि मैं बात का पतंगड़ बना सकूं, ठीक है। ठीक है बात खत्म हो गई, हाँ मेरा चैनल है, मेरी जो मर्जी में आएगा मैं वो करूंगी, ठीक है, क्योंकि इस चैनल का जीमेल आईडी मेरे पास है, इस चैनल का पासवर्ड मेरे पास है, तो इस वीडियो इस चैनल पे क्या वीडियो मैं अपलोड करूँ वो मेरी मर्जी होती है। ओके तो सिंपल सी बात ये है कि हाँ मैंने कोई मेरे हिसाब से मैंने बात का पतंगड़ नहीं बनाया, लेकिन अगर आपके हिसाब से बनाया है तो ठीक है, फिर वही चीज़ें चलती है जो आप बोल रहे हैं मैं मान लेती हूँ। ओके तो मेरे हिसाब से तो वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि अपने दिल की बात रखना कोई बात का पतंगड़ है, मेरे हिसाब से मैंने जो बोला था वो सिर्फ मेरे दिल की बातें थी कि मुझे ये चीज़ें नहीं अच्छी लग रही है। और तो उसमें लोग बोल रहे थे कि तुमने बात का पतंगड़ बनाया है तो तुम ट्रिगर्ड इंसान को सॉरी बोलो क्योंकि तुमने इतनी छोटी सी बात को इतना लंबा खींचा है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं सॉरी नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है, और अगर आपको लगता है कि बात का पतंगड़ बनाया तो वो आपकी चॉइस है, आप ऐसा सोचें, आपको सोचने से नहीं रोक सकती ना मैं कि आप क्या सोच रहे हैं आपके दिमाग में, वो आपकी चॉइस है, आप जो भी सोचना चाहते हैं आप सोचें, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने बात का कोई पतंगड़ नहीं बनाया। उन्होंने जो चीज़ें बोली थी मेरे को, जो चीज़ें उनके बारे में ठीक नहीं लगी कि उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि तू है कौन मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूं, तो ये बात मेरे को ठीक नहीं लगी तो मैंने इसका विरोध किया, सिंपल एज दैट। अगर आपको बात का पतंगड़ लग रहा है तो ठीक है, लेकिन मैं इसके लिए सॉरी बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। मेरे हिसाब से जिस तरीके से ट्रिगर्ड इंसान ने मुझे कोई भी चीज बोली है और मुझे नहीं अच्छी लगी है, तो मेरे हिसाब से ट्रिगर्ड इंसान को मुझसे सॉरी बोलना चाहिए, ना कि मेरे को उनसे सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है ना आपस में। और अगर मुझे एक बार ऐसा लग रहा है कि हाँ ट्रिगर्ड इंसान ने मेरे को उस चीज में, उस लाइन में जो उन्होंने मेरे को बोली है उसमें मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई है एक तरीके से, तो मेरे हिसाब से ट्रिगर्ड इंसान को मेरे से सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि मैं जितने भी क्रिएटर्स के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ बोलती हूँ, मैं हमेशा ट्रिगर्ड इंसान को भी ट्रिकू भैया करके बोलती हूँ, मैं हमेशा कैरी मिनाटी को कैरी भैया बोलती हूँ, मैं उज्जवल सर को उज्जवल भाई बोलती हूँ, मैं हमेशा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ, भले ही दिनेश टॉक्स के साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने उनके बारे में कुछ बातें बोल दी थी, उन्होंने बोली थी, बट स्टिल मैंने उनको भैया ही बोला था, तो मैं हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैं चाहूंगी कि सामने वाले क्रिएटर भी मेरी रिस्पेक्ट करें, और अगर नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट अगर एक बार आपने गलती से कुछ चीजें बोली है तो वो मेरे से सॉरी बोले, वो मेरे से माफी मांगे, ना कि मैं उनसे माफी मांगू। और वैसे भी सॉरी ऐसी चीज है जिसके लिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि अच्छा आओ आओ मेरे को सॉरी बोलो, ऐसा तो हम नहीं कर सकते, वो उनकी चॉइस है, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल की एक बात रख सकती हूँ कि मुझे ये चीज नहीं पसंद आई है, तो आप अगर मेरे को सॉरी बोल सकते हैं तो प्लीज बोलिए, ठीक है, वो एक सिंपल सी बात है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, डेफिनेटली मेरे फोर्स कर देने से कोई मुझे सॉरी आके नहीं बोलेगा, और सॉरी ऐसी चीज़ भी नहीं है यार जो फोर्स के साथ मांगी जाए। बट मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि उनके फैंस बोल रहे थे कि मैं उनको सॉरी बोलूँ क्योंकि मैंने बात का पतंगड़ बनाया है, तो मैं नहीं बोलूंगी, ये मेरा चैनल है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है बात का पतंगड़ बनाना तो मैं बनाती हूँ, ठीक है, वो मेरा अपना ओपिनियन होता है, मेरी अपनी चॉइस होती है, क्योंकि मेरा चैनल है तो चॉइस भी मेरी ही चलेगी, तो वो वाला एक सीन है, ठीक है, तो मैं सॉरी तो नहीं बोलूंगी, और अगर ट्रिगर्ड इंसान चाहे तो वो मेरे से सॉरी बोल सकते हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो वही एक बात है, मैं गैरी मिनाटी को भी सॉरी नहीं बोलूंगी, है ना, क्योंकि उसमें भी मेरे हिसाब से कुछ बुरी चीजें नहीं थी। मैंने उनको भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ उस गाने में जो भी बोला है बहुत रिस्पेक्ट से बोला है, कहीं पे भी मैंने उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है, कुछ भी चीजें बोल के गाली गलौज नहीं करी है, तो डेफिनेटली मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, ठीक है, वो एक बात है। और लोग तो वही है कि डराते तो रहते हैं लोग, और लोगों का काम है डराना। लोग मेरे से बोल रहे थे कि जिस तरीके से गैरी मिनाटी ने KRK की वीडियो डिलीट कराई है, उसी तरीके से अब तुम्हारा नंबर है अगला, तुम्हारी वीडियो डिलीट कराएंगे। तो आपको गलत फहमी है, पहली चीज ये है, कैरी मिनाटी ने KRK की वीडियो डिलीट नहीं कराई है। आशीष चंचलानी वाली जो वीडियो बनाई थी KRK ने, वो यूट्यूब ने डिलीट करी है, क्योंकि वो यूट्यूब की पॉलिसीज के खिलाफ थी। जब मैंने वो वीडियो देखी थी, जब मैंने वो कैरी मिनाटी वाली वीडियो देखी थी, चाहे मैंने आशीष चंचलानी वाली वीडियो देखी थी KRK की, मैंने वीडियो देखते ही पहचान लिया था कि वीडियो डिलीट होने वाली है। मैंने वीडियो देखते ही पहचान लिया था वीडियो डिलीट होगी, क्योंकि वीडियो में साइबर बुलिंग हुई थी, वीडियो में हैरेसमेंट किया गया था, तो मुझे अच्छे तरीके से पता था कि ये वीडियो डिलीट होगी। मुझे तो ये समझ नहीं आता यार, ये इतने सालों से क्रिएटर काम कर रहे हैं, इनको अब तक यूट्यूब की पॉलिसीज नहीं पता है? बताओ यार, तुमसे अच्छे तो हमें एक साल आया, हमें सारी पॉलिसीज पता है कि यूट्यूब में की वीडियो में क्या बोलना है क्या नहीं, बट स्टिल हाँ, इन लोगों को पॉलिसीज नहीं पता थी, तो डेफिनेटली वीडियो डिलीट हुई और वीडियो वापस नहीं आ सकती है। भले ही KRK बोले कि वो यूट्यूब को कोर्ट में लेके जाएंगे या कुछ भी करेंगे, बट डेफिनेटली वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी रिटर्न ऑन हिज चैनल, वीडियो वापस नहीं आएगी, सीधी सी बात यह है, क्योंकि हाँ मैंने देखी थी वीडियो, मुझे पता था साइबर बुलिंग हुई है, वीडियो डिलीट होगी, आज नहीं तो कल वीडियो डिलीट होगी, और वीडियो डिलीट हुई तो वो एक बात है। और मेरी वीडियो में ऐसा कुछ होता नहीं है, साइबर बुलिंग मैं करती नहीं हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है हैरेस करने का, मुझे किसी को कोई शौक नहीं है, ठीक है, वो एक चीज है। और बस मेरे को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। तो और एक और चीज़, ट्रिगर्ड इंसान के फैंस बोल रहे थे मेरे को कि हमने ट्रिगर्ड इंसान को बोला कि हम पायस उनके ऊपर रोस्ट वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये तुम्हें रोस्ट कर रही है, तो ट्रिगर्ड इंसान ने हमें मना कर दिया, और ट्रिगर्ड इंसान ने हमें बोला कि नहीं ऐसे रोस्ट मत करो, ऐसे हेट मत फैलाओ। तो मेरे को ये बता दो कि भाई रोस्ट करना कब से हेट फैलाना हो गया? अगर रोस्ट करना है हेट फैलाना है, तो फिर ट्रिगर्ड भाई आप भी तो रोस्ट ही करते हैं, तो क्या आप हेट फैला रहे हैं? तो मेरे हिसाब से रोस्ट करना हेट फैलाना नहीं है। हाँ, अगर आप एक ही लड़की को लेकर उसके ऊपर लगातार वीडियो बनाए जा रहे हैं और उसकी बातों को लगातार गलत गलत उसके बारे में बोल रहे हैं, तो वो हेट फैलाना होता है, और ऐसा बहुत सारे लोग मेरे बारे में करते हैं, और अगर उनको मैं एक चीज बोल दूं तो उसके ऊपर वो सिंपैथी लेने के लिए बैठ जाते हैं। तो खैर, उनके बारे में मैं क्या बोलूं, अगर मेरे को किसी के ऊपर एक्शन लेना होगा या अगर मेरे को किसी के ऊपर स्ट्राइक मारनी होगी, तो मैं उससे पूछूंगी नहीं या मैं उसको जाके बोलूंगी नहीं कि भाई सुनो मैं तुम्हारे ऊपर स्ट्राइक मार रही हूँ, मैं डायरेक्ट स्ट्राइक दे दी हूँ और मैं दूंगी, ठीक है। तो पहले तो मैं सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं, मैं इसको बोल देती हूँ कि मैं ऐसा करूंगी तो आप ये वीडियो हटा लो, बट हाँ अभी बहुत हो चुका है, और अब मैं किसी को बोलूंगी नहीं जाके, मैं किसी को जाके ऐसे नहीं बोलूंगी कि सुनो मैं तुम्हें स्ट्राइक देने वाली हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं डायरेक्ट स्ट्राइक दूंगी, क्योंकि ये चीज़ें बोलने का भी तो कोई मतलब नहीं है ना, लोग तो फिर उस चीज़ का भी फायदा उठा रहे हैं, और फिर ये भी नहीं सोच रहे कि जिस लड़की के नाम लेने पर हमें इतने व्यूज़ मिल रहे हैं, लड़की को अगर हमारी वजह से इतना हेट मिल रहा है तो हम क्यों उसको हेट दिला रहे हैं? वो ये भी नहीं सोचते हैं यार मेरे को इन लोगों से बिल्कुल बातचीत नहीं करनी है, अब सीधा मैं स्ट्राइक दूंगी, किसी को मैं जाके मैसेज नहीं करूंगी जैसे मैं हमेशा करती हूं, क्योंकि मेरे को लगता है कि सामने वाले की भी मेहनत है, तो मैं मैसेज करके उसको बोल दूं पहले, तो अब मैं वो नहीं करूंगी। अभी मैंने देखा था कि स्काई लॉर्ड ने बहुत सारे लोगों को स्ट्राइक मारी थी और उसने किसी को बोला नहीं था कि मैं तुम्हें स्ट्राइक दूंगा, उसने डायरेक्ट स्ट्राइक दिया था, तो मेरे हिसाब से स्काई लॉर्ड ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं बहुत इसकी तारीफ करना चाहूंगी, स्काई लॉर्ड ने जो कदम उठाया है, क्योंकि ऐसा ही करना चाहिए लोगों के साथ, तो मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट चीज करी है स्काई लॉर्ड ने, और अब मैं स्काई लॉर्ड से इंस्पायर हो गई हूँ बहुत ज्यादा, तो मैं भी जो है यही करने वाली हूँ, मैं किसी को मैसेज करके और किसी को बोलूंगी नहीं कि तुम ये वीडियो हटाओ, मैं डायरेक्ट स्ट्राइक दूंगी, ठीक है। तो वही एक बात है, क्योंकि किसी को मैसेज करने का भी कोई मतलब नहीं है, लोग फिर उसी चीज़ का फायदा उठा के सिंपैथी लेने लग जाते हैं, तो ले सिंपैथी, मेरे को मतलब नहीं है उनसे वैसे भी, ठीक है, क्योंकि इनका घर भी मेरे नाम से ही चलता है, मेरे नाम लेने से इनके व्यूज आते हैं, फिर ये बोलते हैं हमारी तो खुद की मेहनत लगती है, हम तो रात रात भर जग के वीडियो बनाते हैं, हमारा तो खुद का कॉन्टेंट है। तो अगर आपका खुद का कॉन्टेंट है और आपका कॉन्टेंट इतना ही अच्छा है, तो आप किसी दूसरे के ऊपर वीडियो बनाते हो जब, तो आपके व्यूज क्यों नहीं आते? आपके व्यूज सिर्फ इसलिए तब क्यों आते क्यों जब आप मेरे ऊपर वीडियो बना रहे हैं? सीधी सी बात यह है कि आपके जो आ रहे हैं, आपके जो पैसे छाप रहे हो आप YouTube से, वो मेरे बदौलत छाप रहे हो, ठीक है। तो अगर यही चीज सच है तो फिर यही सच है ना, और मैंने आपको साबित कर दिया कि ये सच है, क्योंकि अगर आपका कंटेंट इतना अच्छा होता तो आपके दूसरे यूट्यूबर्स पे जो आप वीडियो बना रहे हो उस पे भी व्यूज आते, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो वो एक सीधी सी बात है, खैर मेरे को इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं वही है कि यार मैं बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं करूँगी कि मैं पहले जाके बोलूँ किसी को कि तुम ऐसा करो नहीं तो मैं स्ट्राइक दूंगी, बस बहुत हो चुका है, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता है, चाहे हम किसी के बारे में कितना अच्छा सोचे, लेकिन हमारे बारे में लोग यही बुरा ही सोचेंगे, तो बुरा ही सोचे, अब मैं सीधा स्ट्राइक दूंगी, और मैं स्काई लॉर्ड की बहुत तारीफ करूंगी कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, और मैं तो स्काई लॉर्ड से बहुत इंस्पायर हो चुकी हूँ, ठीक है, सीधी सी बात ये है। और फिर उसके बाद जो करना हो जिसको वो कर लेना, धमकियां
मत देना, सीधा करके दिखाना। जो लोग मेरे को धमकियां देते रहते ना, ऐसे 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 करेंगे तुम्हारे चैनल को हैक कर लेंगे, सीधा करके दिखाओ। धमकियां मत दो, सीधा करके दिखाओ, ठीक है। मेरे को धमकियों से वैसे भी फर्क नहीं पड़ता है, तो धमकियां देने का कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ मैं बोलूंगी। तो यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका कई बार हमें बुरा लग जाता है। ये भी एक छोटी सी चीज़ थी, बट हाँ सामने वाले की वजह से मुझे बहुत हर्ट हुआ। बट वही है कि मैंने सोचा कि चलो फर्स्ट टाइम है, छोटा बच्चा है, रहने देते हैं, तो मैंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। अदरवाइज अगर आप ये भी सोचे अगर मुझे एक्शन लेना होता मैं डायरेक्ट एक्शन लेती, मैं उसको जाके बोलती नहीं कि सुनो बेटा कल सुबह तक का तुम्हारे पास टाइम है तो मैं तुम्हें स्ट्राइक दूंगी, मैं उसी टाइम स्ट्राइक देती, जैसे स्काई लॉर्ड ने दिया, जैसे बिंदास काव्या ने आज तक जिसको स्ट्राइक दिया डायरेक्ट स्ट्राइक दिया, उसने पहले वार्निंग नहीं दिया, ठीक है। तो ये वाली एक चीज़ होती है, जिसको देना होता है वो डायरेक्ट देता है। मेरी ही गलती हो जाती है, मैं अपने आप को ज़्यादा महान बनने के लिए शायद ये चीज़ मैं करती हूँ, लेकिन मैं महान नहीं हूँ, अब मैंने बता दिया, ठीक है। मैं बिल्कुल महान नहीं हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, ठीक है। आई एम अ वेरी बैड गर्ल, आई एम अ सर्टिफाइड बैड गर्ल। तो फिर जब ठीक है ऐसा ही है तो फिर ऐसे ही ठीक है। और ये छोटी छोटी चीज़ें थी, और किसी को अपॉलॉजी के लिए हम फोर्स नहीं कर सकते, मैट्रिकल इंसान को बोल नहीं सकते ए मेरे को सॉरी बोल वरना देख लियो, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर उनके मन में आएगा तो वो मुझे सॉरी बोल देंगे, क्योंकि मुझे उनकी एक बात से हर्ट हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने बोला था कि तू है कौन मैं तुझे नहीं जानता हूँ, वो बात मुझे गलत लगी, क्योंकि ऐसा तो मैं उनको भी बोल सकती हूँ ना कि मैं भी आपको नहीं जानती हूँ तू है कौन, लेकिन वो मैं नहीं बोलूँगी। वो मेरे से बड़े हैं एज में भी, लेकिन सिर्फ बड़े होने से ये ज़रूरी नहीं है कि हम सामने वाले की रिस्पेक्ट करें, और रोस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाली कोई बात नहीं होती है, ठीक है। मैं हमको सबको हमेशा इज्जत के साथ बात करती हूँ, और मैं हमेशा इसी तरीके से करूँगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है। बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हर्ट थी, एक छोटी सी चीज़ मैंने बोली थी उसका इतना बड़ा बतंगड़ बनाया गया है। और जब मैंने उस चीज़ को वापस भी ले लिया कि ठीक है मैं ऐसा नहीं करूँगी, उसके बाद भी वीडियोस लोगों ने अपने चैनल पे रखी है ताकि उनको डायरेक्ट सिंपैथी मिलती रहे, लगातार सिंपैथी मिले। अगर तुमने जिस चीज़ के लिए वीडियो बनाया है वो मकसद पूरा हो चुका है, तो एटलीस्ट अब उस वीडियो को प्राइवेट कर दो। अब उस वीडियो को चैनल पे पब्लिक रहने का क्या मतलब है? यही मतलब है कि सामने वाली लड़की को हेट मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे। तो अगर तुम ये चाहते हो तो फिर मैं भी यही चाहती हूँ, ठीक है, फिर मैं भी यही चाहती हूँ। और मैं अगर फिर कदम उठाने पर आ जाती हूँ तो फिर ये और सिंपैथी लेते हैं, तो अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, लो सिंपैथी, मैं भी अपना जो मेरे को करना है वो मैं करूंगी, ठीक है। मैं किसी को जाके पहले मैसेज नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट एक्शन लूंगी। अभी इनाफ इज इनाफ, बहुत हो चुका है, ठीक है। मैं तो सोच रही हूँ भाई कोई कंपनी के साथ जुड़ जाऊँ मैं कितने लोगों को स्ट्राइक दूँ, मेरे को तो ये समझ नहीं आता है। बहुत लोग मेरे ऊपर वीडियोस बनाते हैं, तो सबको देना तो पॉसिबल नहीं है, जो हदें पार कर रहे हैं सिर्फ उनको दूंगी, ठीक। तो जो हद से ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं, कहने का मतलब ये है 10-12-15 ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं, तो फिर उनके ऊपर जाएगी स्ट्राइक, और किसी को कोई खतरा नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और फिर चलिए, थैंक यू सो मच।